नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं लाहौरी जो कि नीली रावी बुल है। और नीली रावी का बुल जो है अपने चैनल पर पहली बार जो है हम कवर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है वो ये नीली रावी में बुल है जिसका नाम है लाहौरी। और ये बुल अभी जो है HBSSRC यानी कि हिसार बॉयंस फ्रॉम स्टेशन एंड रिसर्च सेंटर चौधरीवास हिसार में है। तो इसके सीमंस के लिए मैं इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप बुल देखें जो कि काफ़ी अच्छा सुंदर सुडोल शरीर के साथ है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स के साथ है। और इसके साथ साथ आप इसके जो टेस्टिकल हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे ही हम कहेंगे, जो कि प्रोजनी के लिए जो है ज़रूरी माने जाते हैं। और यदि हम इसकी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसके शायर का नाम सूरज है जो कि नीली रावी का बुल है। और वो बुल जो है नीली रावी का जो ओरिजिन माना जाता है पाकिस्तान में पंजाब, तो वहाँ का वो बुल है। यानी कि ये जो हम लाहौरी बुल कवर कर रहे हैं ये पाकिस्तानी नीली रावी का ब्लड लाइन का बुल हम कह सकते हैं। तो इसके शायर का नाम है सूरज और इसकी मदर का नाम है नीलम। और इसकी मदर के पूरे लैक्टेशन का जो मिल्क है वो रहा है 3610 kg यानी कि 3610 kg। और इसका जो शायर है उसकी डैम यील्ड है 3031 kg यानी कि इसके शायर की मदर का जो पूरे लैक्टेशन का दूध है वो 3031 है। और इसका जो ओरिजिन है वो पंजाब है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो डिटेल्स के साथ जो कि नीली रावी का बुल है आप देख सकते हैं, जो एक शानदार कद काठे लिए हुए। इसके साथ साथ इसकी डिटेल्स से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसके आने वाली जो प्रोजनी है वो काफ़ी सुंदर जो हम देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी आ रही हैं। तो मेरे से जितना पॉसिबल होगा उनके जो इनके काफ की हैं वो फ़ोटो भी मैं वीडियो में लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो जो नीली रावी के जो इच्छुक हैं, जो पशुपालक भाई हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, इन डिटेल्स को जान सकते हैं। और एक नस्ल सुधार करने के लिए जो उम्मीद है ये जो बुल है वो आगे चलकर जो है अच्छी प्रोजनी जो इसकी हमें देखने को मिलेगी, तो उसी एवज में इसका जो सीमन है अपने पशुओं के लिए जो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स आप वीडियो के अंदर ले सकते हैं।